सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे ऑल थिंग्स यूट्यूब चैनल वीडियो से। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट वीडियो में फ्रेंड्स SSC-GD के पूरे नोटिफिकेशन डिस्कस किए थे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, वो फर्स्ट पार्ट है। और ये सेकंड पार्ट वीडियो, बस फ्रेंड्स दो पार्ट वीडियो बनेंगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताऊँ कि कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म पूरे अच्छे तरह से फिल करें, किस टाइम में आप फॉर्म फिल करें, जो आपका जिस टाइम उस टाइम आपका OTP आ जाए आपके ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे, और ऐसे फॉर्म भरे जैसे कि फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम। फ्रेंड्स मैं यही बताऊँ किस टाइम आप फॉर्म भरे जिस टाइम आपको कोई प्रॉब्लम भी ना आए, और सब कुछ बताऊँगा फ्रेंड्स इस वीडियो में। फ्रेंड्स अगर आपने फर्स्ट पार्ट वीडियो नहीं देखा फ्रेंड्स, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालते, पहले फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट वीडियो देख ले फ्रेंड्स, फिर आप अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, पहले आपको जाना है फ्रेंड्स SSC.NIC.IN। आप क्रोम या गूगल में जा सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने फ़ोन पे किया है फिल, तो फ़ोन पे मैं बताऊँगा आपको कैसे करते हैं फ्रेंड्स। जैसे ही आप खोलेंगे फ्रेंड्स, जैसे आपका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, तो आपको देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिख रहा होगा फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन नाउ, तो फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। जैसे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थोड़ा खुलने में टाइम लगेगा फ्रेंड्स, थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स ये खुल चुका है, तो फ्रेंड्स इसमें आपको रजिस्ट्रेशन में पहले चार स्टेप पूरे करने होंगे। तो फ्रेंड्स फोर स्टेप में, पहले स्टेप में मैं आपको बताता हूँ क्या करना है फ्रेंड्स। जो पहला स्टेप है आपको इसमें आपको फ्रेंड्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है फ्रेंड्स। आप अधूरा ना छोड़े, एक ही आईडी और नंबर से रजिस्ट्रेशन पूरे अच्छे से कम्प्लीट करें फ्रेंड्स, वरना आप अगला रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स वो भी मैं बताऊँगा कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स पहले आपको यहाँ जो आपका आधार, डू यू हैव आधार, तो फ्रेंड्स अगर आपका आधार है तो आधार कार्ड है तो आप यस डालें, और नहीं अगर आपने अप्लाई किया तो आप अप्लाई पे क्लिक कर दें, अगर आपका नहीं है तो नो डालें। तो फ्रेंड्स अगर नो डालेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आधार आईडी मांगेगा, यहाँ पे आगे देख सकते हैं आधार आईडी। तो फ्रेंड्स आप अगर सॉरी आधार आईडी नहीं, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नो डालें, तो आप कोई सी भी एक आईडी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने क्लिक किया, तो फ्रेंड्स आप इसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, एम्प्लॉयर्स आईडी डाल सकते हैं, पैन कार्ड डाल सकते हैं, पासपोर्ट डाल सकते हैं, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड का नंबर डाल सकते हैं, या वोटर आईडी कार्ड का नंबर डाल सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप ये डाल सकते हैं, अगर पास है तो आप यस करें और बस आधार नंबर डालें, कोई आधार आईडी डालने कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप इसमें आधार नंबर डाल सकते हैं, आधार नंबर डाल के फ्रेंड्स फिर आपको यहाँ पर नीचे वेरीफाई आधार नंबर फिर से डालना पड़ेगा आपको फ्रेंड्स, वही जो ऊपर है आधार नंबर, वही आप नीचे वेरीफाई आधार नंबर डाल दें फ्रेंड्स। उसके बाद फिर आप जो फ्रेंड्स आप दिख रहे होंगे कि लाल लाल रेड रेड स्टार सा बना, तो फ्रेंड्स वो मेन पॉइंट आपको फिल करना ही करना है। तो फ्रेंड्स आपको फिर नीचे जाना है फ्रेंड्स, आपको फिर अपना नाम डालना है फ्रेंड्स। जो आपका नाम होगा फ्रेंड्स, जो आपका नाम होगा वो 10th की मार्कशीट से फ्रेंड्स मैच करना चाहिए, और फ्रेंड्स नीचे भी जो वेरीफिकेशन नेम है फ्रेंड्स उसमें भी आप ये सेम नेम डाल दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें दो दो आपको नाम डालने पड़ेंगे हर में। तो फिर इसमें फिर पूछेगा हैव यू एवन चेंज योर नेम, अगर आपने कभी नेम चेंज किया है, कभी चेंज किया तो आप यस करें, अगर नहीं किया तो नो करें। अगर आप यस करेंगे आपने चेंज किया तो फिर आपसे वो न्यू नेम पूछेगा, तो मैंने चेंज नहीं किया तो यहाँ पर नो डाल देता हूँ, मैंने चेंज नहीं किया तो फ्रेंड्स। फिर आपको यहाँ पर फादर्स नेम पूछेगा, आप यहाँ पर फादर्स नेम डालें। फिर फ्रेंड्स फिर इसमें थर्ड डी में पूछेगा वेरिफिकेशन फादर नेम्स, वही वेरिफिकेशन फादर नेम डाल दे जो आपके 10th मार्कशीट में है। फिर फ्रेंड्स फोर्थ ए में मांगेगा आपको मदर्स नेम, जो आपके 10th में है मार्कशीट में नाम है मदर्स नेम, वही डाले। और फिर वेरिफिकेशन मदर्स नेम मांगेगा जो 10th के मार्कशीट में, वो डाल दे फ्रेंड्स। फिर आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालें जो आपके 10th के मार्कशीट में है, फिर वेरिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ डालें जो आपके 10th के मार्कशीट में है। तो फ्रेंड्स फिर आप यहाँ पर जो 6th पॉइंट है आप देख सकते हैं, 6th पॉइंट है मेट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन डिटेल डालना है फ्रेंड्स, कि आपने कौन से बोर्ड से आपने किया, CBSE से किया है, ICSE से किया है, NIOS से किया है, जिससे भी किया आप वहाँ पर डाल दें, जैसे CBSE किया CBSE का डाल दें। फिर वेरिफिकेशन एजुकेशन वही फिर से डालना पड़ेगा आपको CBSE। फिर आपको रोल नंबर डालना पड़ेगा अपना जो आपके 10th के मार्कशीट में रोल नंबर है, और फिर से वेरिफिकेशन रोल नंबर डालें, दो बार रोल नंबर डालना जो आपके 10th के मार्कशीट में। फिर आपके पासिंग ईयर पूछेगा कौन से पासिंग में, 15 में किया, 13 में किया, 14 में किया, तो जो वही डाल दे पासिंग ईयर जिस टाइम आपने किया है। फिर आपका पूछेगा मेल हैं या फीमेल हैं आप, तो आप दोनों में आप मेल में डाल दें। फिर इसमें आपको हर बार दो दो चीज़ डालनी है, और दोनों चीज़ सेम करेक्ट होनी चाहिए फ्रेंड्स,
इसमें लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने पूछा है, तो आप लेवल ऑफ आपको कौन सा है, टेंथ 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 के बेस से, तो आप टेंथ के बेस से भी कर सकते हैं। फिर आपका इसमें मोबाइल नंबर पूछेगा फ्रेंड्स, फिर आप इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल दें फ्रेंड्स, वो मोबाइल नंबर डालें जो आपका मोबाइल नंबर ऑन हो, उसी पे फ्रेंड्स आपका ओटीपी आएगा और वही ईमेल आईडी डाल लें फ्रेंड्स। फिर आपको नीचे ईमेल आईडी डालनी है जो आपका ईमेल आईडी वर्किंग में हो, जो चल रहा हो उस पे, फिर आपका फ्रेंड्स ओटीपी आएगा फ्रेंड्स। फिर आपका लास्ट स्टेप है, यहाँ पे आपका पूछेंगे स्टेट, स्टेट पूछेंगे आपका, आपका स्टेट क्या है, जैसे कि आपका स्टेट है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आप डाल सकते हैं स्टेट फ्रेंड्स। आप यहाँ पे फिर आप ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर सेव करें आप। सेव करने के बाद फिर फ्रेंड्स फिर आपको नेक्स्ट करना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जब आप सेव करेंगे तो फ्रेंड्स ऊपर एक क्लोज का ऑप्शन आएगा, क्लोज पे कैंसिल करके फ्रेंड्स फिर आप नेक्स्ट कर दें फ्रेंड्स। फिर आप अपने आप फ्रेंड्स सेकंड स्टेप पे जाएंगे फ्रेंड्स। आपको सेकंड स्टेप पे फ्रेंड्स आपको अपना कैटेगरी डालना है जनरल, फिर फ्रेंड्स वेरीफिकेशन कैटेगरी डालना है, आपको जनरल है जनरल डाले, ओबीसी डाले, एससी डाले, तो फ्रेंड्स आपको नेशनलिटी डालना है, आपका सिटीजन ऑफ इंडिया डाले। फिर फ्रेंड्स आइडेंटिटी मार्क्स, मतलब फ्रेंड्स आपकी फेस पे कोई छोटा सा मार्क्स हो कटने उठने का फ्रेंड्स वो डाल दे, जैसे मैंने लिखा है वन लिटिल स्मॉल कट ऑन माय फेस फ्रेंड्स। फिर आप आर यू पर्सन ऑफ विद इन डिसेबिलिटी 40%, अगर आप डिसेबिलिटी है येस या नो करें, नो करें आप। फिर फ्रेंड्स आप यहाँ पे फ्रेंड्स फिर आपको फ्रेंड्स नीचे कोई भरने की जरूरत नहीं है, अगर डिसेबिलिटी है तो फ्रेंड्स तब आप नीचे भरें, वरना नो करेंगे तो आपको नीचे भरने की कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स फिर आप यहाँ पे सेव करें, फिर फ्रेंड्स आप नेक्स्ट कर दें, तो फ्रेंड्स उसके बाद आप फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप फिर थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे, यह है कॉन्टैक्ट डिटेल फ्रेंड्स। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका फर्स्ट में आपका डालना है परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं फ्रेंड्स। फिर आपको सेकंड में डालना है स्टेट, आप कौन से स्टेट से हैं वो स्टेट डालें, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश डालें। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट क्या है उत्तर प्रदेश का, जैसे गौतम बुद्ध नगर, फिर वो डालें। फिर आपके स्टेट का पिन क्या है, पिन नंबर डालना है 201301 जो है आपका वहाँ का पिन नंबर, वो डालें फ्रेंड्स। और फिर 16 में आपका पूछेगा कि इज परमानेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर आप यही परमानेंट एड्रेस है तो यस डाल दें फ्रेंड्स। जब आप यस करेंगे तो फ्रेंड्स अपने आप ही नीचे ये सब एड्रेस वापस अपने आप ही टाइपिंग होकर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आपको सेव करना है फ्रेंड्स, फिर सेव करके फ्रेंड्स आप नेक्स्ट कर दे, तो फ्रेंड्स आप फोर्थ स्टेप पर, तो फ्रेंड्स आप जब सेव और नेक्स्ट कर देंगे तो फ्रेंड्स आप फोर्थ स्टेप पर आ जाएंगे फ्रेंड्स। फोर्थ स्टेप में आपसे पूछेंगे कि अपलोड फोटो, तो फ्रेंड्स आपको अपना अपलोड फोटो करना, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपका फोटोग्राफ इट शुड बी जेपीजी साइज में होना चाहिए फ्रेंड्स। आप फिर फ्रेंड्स आपको जो फोटो अपलोड करना है आपको जेपीजी साइज में अपलोड करना है, और 20 और 20 to 50 KB के बीच में आपकी फ़ोटो रहनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अपलोडिंग सिग्नेचर फ्रेंड्स, जो आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए फ्रेंड्स वो 10 to 20 KB के बीच में रहनी चाहिए फ्रेंड्स। वो नीचे आपको दे रखा है, आप वो पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। आप फोटो अपलोड कर देंगे फिर सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये जो 21 पॉइंट नंबर में लिखा है अपलोड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन फ्रेंड्स, आप देख सकते 21 पॉइंट में अपलोड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। अगर आपने अपना आधार नंबर नहीं डाला है, अगर आपका आधार कार्ड नहीं, तो आप तब अपना थंब हैंड का जो स्कैन करके आपको इसमें फ़ोटो डालनी है, जो साइज़ होनी चाहिए 10 to 30 KB, लेकिन हमने आधार नंबर डाला है तो हमें कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स जो 25th पॉइंट लिखा है इफ़ LTI is not available, तो अगर आप थंब इम्प्रेशन नहीं डाल सकते तो फ्रेंड्स आप इन तीन पॉइंट में से कोई सा भी एक डाल सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, जब आप ये सब डाल देंगे तो फ्रेंड्स फ़ोटो जैसे अपलोड कर देता हूँ मैं, जैसे फ्रेंड्स आप फोटो अपलोड कर फ्रेंड्स जब फ़ोटो अपलोड कर देंगे तो फ्रेंड्स फ़ोटो ऐसे अपलोड करना आपको, तो आप सिग्नेचर भी अपलोड कर दें, ऐसे अच्छे से अपलोड करें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, फिर आपको करना है सेव ड्राफ्ट, सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं या टेक, आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट भी ले सकते हैं। पहले फ्रेंड्स आप सेव ड्राफ्ट कर दें फ्रेंड्स, फिर आप यहाँ पे जो आई एग्री है आप देख छोटा सा यहाँ पे आई एग्री दिख रहा है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे टिक करना है, फिर आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फिर आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दें फ्रेंड्स, जब आप फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देंगे तो फ्रेंड्स फिर आपके पास ये हो जाएगा यू हैव सक्सेसफुली कम्प्लीट योर रजिस्ट्रेशन, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज -- फॉर लॉग इन यूज ईमेल आईडी टू यूज़र नेम एंड पासवर्ड फ्रेंड्स। फिर आप इस पर ओके पे क्लिक कर दीजिए फ्रेंड्स, फिर आप ओके पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स, फिर आप पूरा कट कर दें फ्रेंड्स, फिर से आप वेबसाइट पर फ्रेंड्स
फिर ssc.nic.by फ्रेंड्स, फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन, जो फिर आपका जो आपने अपना ईमेल आईडी डाला था फ्रेंड्स, फिर आप वो अपना ईमेल आईडी डाल दें, और फ्रेंड्स फिर आपको अपना पासवर्ड डालना है जो आपके ओटीपी पे फ्रेंड्स, आपको जो ईमेल पे ओटीपी आएगा ना फ्रेंड्स, वो 4 नंबर का आप यहाँ पे ओपीटी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। फिर आप अपना पासवर्ड डालें यहाँ पे, फिर फ्रेंड्स जब पासवर्ड आप डाल देंगे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फिर आप पासवर्ड ईमेल आईडी वगैरह डाल देंगे तो फ्रेंड्स फिर आपके पास ये खुल जाएगा कि यहाँ पे आपको अप्लाई, ये जो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, फिर आप आपका फाइनल जो 5th स्टेप है फॉर्म भरने का फ्रेंड्स, फिर वो आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे जो अप्लाई है फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो अप्लाई दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका अप्लाई का आ जाएगा, फिर प्रिंट का आ जाएगा, फिर डाउनलोड ऑफलाइन चलान भी कर सकते हैं आप, या पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, पेमेंट आप स्टेटस भी देख सकते हैं, फिर एप्लीकेशन स्टेटस भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। फिर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है, फाइनल सबमिशन के लिए आपको अप्लाई पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स फिर आपके पास ये पेज खुल जाएगा, जो इसमें आपका अपने आप ही आपका ऊपर नाम आ जाएगा, फिर फ्रेंड्स आपका आपका जो कैंडिडेट नेम इसमें फिल हुआ हुआ आएगा, फादर्स नेम भी फिल अपने आप ही आएगा, मदर्स नेम भी अपने आप फिल हुआ हुआ आएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ भी अपने आप फिल हुआ हुआ आएगा, आपका एज भी आएगा अपने आप ही आएगा, जनरल भी, कैटेगरी आपका नेशनल, मेक आपका जो मार्क्स ऑफ फेस पे आपका क्या मार्क्स है, फिर आपका 10th का भी अपने आप ही आएगा फ्रेंड्स, फिर आपका रोल नंबर और पासिंग ईयर वगैरह फ्रेंड्स अपने आप ही इसमें फिल हुआ आएगा। तो फ्रेंड्स आपको जो 13 नंबर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको 13 नंबर से फिर करना है आपको, फिर आपको 13 नंबर से क्लिक करना है कि आपको अपना प्रेफरेंस ऑफ एग्ज़ाम, आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर कहाँ देना है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको 3 बॉक्स दिए फ्रेंड्स, आपको इसमें तीनों अपना एग्ज़ाम सेंटर डालना है, आपको कहाँ तीनों में से फ्रेंड्स आपको किसी एक में एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप फर्स्ट में वो डालें जो आपके आसपास हो, आपको अपने आसपास ही मिल सकता है, और सेकेंड में भी वो डालें जो आपके आसपास हो, थर्ड में भी आपके जो आसपास जो आपके एग्ज़ाम सेंटर आपके स्टेट में वो डालें, तीनों आपको फ्रेंड्स यहाँ पर 13 में आपको एग्ज़ाम सेंटर डालना है। तो फ्रेंड्स 14th में फ्रेंड्स आपको क्या डालना है, आप वेदर एक्स सर्विस मैन हो तो यस डालें, अगर नहीं है तो नो डालें। तो फ्रेंड्स फिर आपको 14th का फर्स्ट है जो फिर एक्स सर्विस मैन के नीचे वाला है, वेदर एज रिलेटेड फ्रेंड्स, आपको इसमें कुछ नहीं डालना है, 14.2 में भी कुछ नहीं डालना है, 14.3 में भी कुछ नहीं डालना। तो फ्रेंड्स फिर आपका 15th आएगा, वेदर आप सिकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आपका एज सिकिंग एज रिलैक्सेशन है तो आप यस डालें, और नहीं है तो नो डालें। तो फ्रेंड्स फिर आप जब एज रिलैक्सेशन आप यस या नो कर लेंगे तो फिर आपका ये पूछेगा कि 15th मंथ में आपको कुछ नहीं करना है, फिर फ्रेंड आपको 16th में करना है फ्रेंड्स, प्लीज़ सेलेक्ट योर स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जो आपका स्टेट है आपको वो सेलेक्ट करना है, जैसे आपको उत्तर प्रदेश आप सेलेक्ट कर लें फ्रेंड्स। फिर उसके नीचे भी वही जो वेरीफाई योर एसटी है, देखें फिर येलो येलो सा लिखा है वेरीफाई योर स्टेट 16 के नीचे, तो फ्रेंड्स उसमें भी आपको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स। फिर आपको 17 में आपको सेलेक्ट करना है, प्लीज़ सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, तो डोमिसाइल के लिए आपको वही सेलेक्ट करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर, तो आप दोनों में गौतम बुद्ध नगर डाल दें। तो फ्रेंड्स जिस स्टेट में आप रहते हैं फ्रेंड्स, उसी स्टेट का आप डोमिसाइल डालेंगे। तो फ्रेंड्स आप फिर आप 18 नंबर पॉइंट में आएंगे फ्रेंड्स, हैव यू मैच फॉर द स्टेट ऑफ यू, आप SC ST OBC के हिसाब से आपका ये, तो फ्रेंड्स आपको इस पर नो करना है, आपको इस पर कुछ नहीं करना है 18 वाले में। तो फ्रेंड्स आपको फिर 18.1 में कुछ नहीं करना है, 18.2 में कुछ नहीं करना है, 19th में भी कुछ नहीं करना है, 20 पॉइंट में भी कुछ नहीं करना फ्रेंड्स। अब मेन पॉइंट आ गया आपका 21, प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट फॉर CASF ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड्स, आपको इसमें आप पोस्ट क्या डालना है। तो फ्रेंड्स जैसे आप इन बॉक्स पे क्लिक करेंगे, देखिए फ्रेंड्स जैसे आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें आपको ये प्रेफरेंस पूछेगा कि आपको इसमें कौन सा पहले डालना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, पहले आप इसमें आपको फ्रेंड्स ये कोड डालना है जो ABCDEFG फ्रेंड्स, आपको इसमें उस बॉक्स में आपको जो आपने देखा नहीं फ्रेंड्स, इसमें छोटे छोटे बॉक्स से वाइड कर फ्रेंड्स, इसमें आपको बस ये कोड डालना है AB, पहले आपको कौन, जैसे आप पहले SSF में लेना चाहते हो पहले H डाल दें, फिर आप NI में लेना चाहते हो फिर सेकंड में आप G डाल दें, फिर आपको आसाम राइफल में, फिर आप थर्ड वाले में F डाल दें, तो ऐसे ही डालना है दोनों में फ्रेंड्स। आपको ऐसी वो यहाँ पे कोड डालना है जैसे HF, कोड के हिसाब से फ्रेंड्स डालना है आपको कौन सा पहले प्रेफरेंस लेना है, दोनों में फ्रेंड्स वही डाल दें आप फ्रेंड्स। फिर आपको पूछेगा 22 नंबर पे फ्रेंड्स, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और फ्रेंड्स आप इसमें नो कर दें, और फ्रेंड्स आपका फिर
23 में फ्रेंड्स आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछेंगे, तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपका, तो आपका 10th है, तो आप सिलेक्ट पे जाकर आप 10th डाल दें। तो फ्रेंड्स आप 23 पॉइंट में अपना एजुकेशन 10th डाल दें। फिर फ्रेंड्स आपके इसमें 24 में आपका अपने आप ही सब कुछ, आपका एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन, परमानेंट एड्रेस, स्टेट, पिन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फ्रेंड्स अपने आप ही आपका लिखा हुआ आ जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना। और आपका जो अपने रजिस्ट्रेशन में अपने अपने फ़ोटो और सिग्नेचर डाले थे फ्रेंड्स, फिर वो भी आपका इसमें अपने आप ही अपलोड हो गया आ जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर आपको यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स ये सब आपका अपने आप ही आ जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, आई एग्री पे आप क्लिक करें, फिर फ्रेंड्स ये आप अपना कैप्चर डाल दें, ए बी बी जेड, आप ये कैप्चर में कैप्चर डाल के फ्रेंड्स फिर आप सबमिट कर दें, इसे सबमिट कर दें आप फ्रेंड्स। फिर आप एक बार चेक भी कर लें कि आपका फॉर्म अच्छे से भरा है, तो फ्रेंड्स फिर आप फाइनल पे सबमिट कर दें फ्रेंड्स। फिर आप सबमिट करने के बाद फिर आप यहाँ पे जाके आप पेमेंट कर सकते हैं, फिर से आप लॉगिन करें और आप फिर पेमेंट कर दें ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स और मुझे अब आपको मैं मेन पॉइंट बताता हूँ आप कैसे कैसे किस टाइम आप फॉर्म भरें फ्रेंड्स। पहली बात तो ये फ्रेंड्स, आप जब जो अपना ईमेल आईडी डालेंगे फ्रेंड्स, वर्किंग ईमेल आईडी डालें और वही जो वर्किंग आपका फ़ोन नंबर है वही डालें। और फ्रेंड्स आप मैं बताऊँ फ्रेंड्स, आप जो फॉर्म भरे तो फ्रेंड्स जब 17 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुए, तो फ्रेंड्स आप 20 तारीख के बाद से फॉर्म भरे, क्योंकि फ्रेंड्स अभी बहुत रश होगा फॉर्म भरने में, तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है फ्रेंड्स, ये बताऊँ फ्रेंड्स। और आप फॉर्म जो भरे तो रात के 11 से 1 बजे के बीच में फॉर्म भरे, क्योंकि फ्रेंड्स रात में सर्वर ठीक रहता है तो आपको तुरंत ही तुरंत ओटीपी मिल जाएगी और फिर आपको कोई फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फ्रेंड्स ये मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, जो अगर आपने पहली रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और आपका फॉर्म अब आगे आपका ईमेल आईडी वगैरह कुछ नहीं खुल रहा है, तो फ्रेंड्स और आपने आधार नंबर डाल दिया पहले वाले रजिस्ट्रेशन में, तो फ्रेंड्स अगर आप दूसरी बार फिर से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स उसमें आप अपना आधार नंबर ना डालें फ्रेंड्स, तो उसमें आप अपना बस मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप उसमें अपना आधार नंबर ना डालें, आप उसमें नो करके आप अपना टाइप ऑफ आईडी डालें, कोई स्कूल का आईडी है या कॉलेज का आईडी, वो आईडी डाल दें। अगर आप फ्रेंड्स आप फिर से आप अपने सेकेंड वाले रजिस्ट्रेशन में फिर से आप अपना आधार नंबर डालेंगे, तो फ्रेंड्स वो आपका ये बताया है कि आपका ऑलरेडी ये आधार नंबर रजिस्टर है। तो फ्रेंड्स अगर आप दूसरी बार फ्रेंड्स फिल कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो फ्रेंड्स उसमें आप अपना आधार नंबर ना डालें, अपना ये टाइप ऑफ आईडी डालें तो फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स और अच्छे से फॉर्म भरें। तो फ्रेंड्स ये सब फ्रेंड्स वीडियो थी फ्रेंड्स, आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में। फ्रेंड्स लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।